सीए, एनपीआर और एनआरसी के खिलाफ देश भर के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन जारी। दिल्ली में लोगों ने जामिया यूनिवर्सिटी के गेट से शाहीन बाग तक कैंडल मार्च निकाला। शाहीन बाग धरने का आज 37वां दिन। एनपीआर को लेकर केरल कैबिनेट का बड़ा फैसला, कहा राज्य में एनपीआर लागू नहीं होगा। केरल और पंजाब विधानसभा में नागरिकता कानून के खिलाफ प्रस्ताव पास होने के बाद अब कांग्रेस शासित राज्य सरकारें भी विधानसभा में सीए के खिलाफ प्रस्ताव ला सकती हैं। आंध्र प्रदेश विधानसभा में तीन राजधानियों का प्रस्ताव पास, तीन राजधानियों में विशाखापट्टनम, कुर्नूल और अमरावती शामिल। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए चुनाव आज, अमित शाह, नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह की ओर से जेपी नड्डा के नाम का प्रस्ताव दिया गया। जेपी नड्डा का निर्विरोध रूप से अध्यक्ष बनना तय। निर्भया केस के दोषी पवन की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। याचिका में दोषी पवन ने घटना के समय नाबालिग होने का दावा किया। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज रोड शो कर नई दिल्ली सीट से नामांकन दाखिल करेंगे। बीजेपी और कांग्रेस आज जारी कर सकती है उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट। दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान इलेक्टोरल बॉन्ड पर रोक नहीं। इलेक्टोरल बॉन्ड पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का फिलहाल इनकार। कोर्ट ने चुनाव आयोग से 2 हफ्ते में जवाब मांगा। सेरेना विलियम्स, नाओमी ओसाका और रॉजर फेडरर ऑस्ट्रेलियन ओपन के दूसरे दौर में पहुंचे। और बेंगलुरु में रोहित शर्मा और कप्तान विराट कोहली की दमदार पारी से भारत ने ऑस्ट्रेलिया को तीसरे वनडे में 7 विकेट से हराकर सीरीज 2-1 से जीती। रोहित शर्मा प्लेयर ऑफ द मैच और विराट कोहली प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे।